आसन आपको दिखा रहे हैं जिसमें लंबाई बढ़ाने के लिए है, ताकि बच्चों का, नन्हे मुन्ने बच्चों का कद छोटा न हो, उसके लिए हम आपको करके दिखा रहे हैं। और इस तरह से दिखा रहे हैं ताकि बच्चे, यहाँ भी बच्चे हमारे बैठे वो भी देखें, आप भी देखें और आपके करने में आसानी हो। पहले हम क्या करेंगे कि बाएं पैर को इस पर चढ़ा लेंगे और फिर इसको इस तरह से कर लेंगे, हाथ को सीधा कर लेंगे। और इसमें अगर इस तरह से नहीं हो सकता जिन बच्चों से, उन बच्चों के लिए है कि इस पैर को यहाँ कर लिया, इस पे इस कर लिया, हाथ को सीधा कर लिया और सांस को खींच लिया। अब यही काम, यही एक्सरसाइज जो है बच्चे आपको दिखा रहे हैं। बच्चे पहले बाया पैर इस तरह से लगाओ, फिर दाहिना पैर उठा के इस पर लगा दो, हाथ सीधा इस तरह से करो, सांस को खींच लो। फिर छोड़ दो, फिर एक बार सांस को फिर खींचो। फिर सांस को छोड़ दो। ये कमर का हिस्सा जो है आप लोग सीधा रखोगे, टेढ़ा मत करोगे। ये एक बार फिर करो, फिर छोड़ दो। कमर सीधी रखेगा हमेशा, कमर जो आपके लोगों की सीधी रहेगी। फिर एक बार फिर करेंगे, सांस से छोड़ दोगे। अभी बच्चों ने बैठ के जो उसे दिखाया है उसी से है, उसी से इसका कंसर्न है। मगर ये मेन पार्ट है वो वार्म अप के लिए है। जब हम कोई व्यायाम करते हैं, कोई कसरत करते हैं या कोशिश करते हैं तो बदन में हमारे वो ठीक, उसे ठीक तरीके से हो जाए। मगर मेन आसन जो है लंबाई बढ़ाने का वो हम आपको दिखा रहे हैं। पहले हम सांस को सीने में भर लेंगे और रोक लेंगे, रोक करके फिर हाथ को सीधा उठाएंगे और उठाने के बाद फिर पंजों पर धीरे 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 खड़े होते जाएंगे, थोड़ी देर रुक जाएंगे, फिर जब नीचे आएंगे, जैसे नीचे आते रहेंगे सांस को छोड़ते जाएंगे। उसी को हम करके दिखा रहे हैं आपको। यही काम हम पीछे से भी दिखा रहे हैं, पर ये क्या हालत होगी। बच्चों सांस को पहले सीने में भरो, सांस को भर लिया, हाथ को ऊपर उठा लो, अब धीरे धीरे ऊपर जाओ, ऊपर धीरे धीरे जाओ और रुक जाओ, फिर सांस को छोड़ो, धीरे 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 नीचे आओ। अब इसी काम को फिर से करेंगे, सांस को भरो, फिर हाथ को ऊपर उठाओ, फिर पंजों को बल खड़े जाओ धीरे धीरे करके। बहुत अच्छे, हाँ बहुत बढ़िया। फिर धीरे धीरे नीचे आइए, हाँ फिर हाथ नीचे गिरा दीजिए। देखिए जब आप खड़े होंगे तो उस बात का ध्यान रखेंगे, एड़ियां आपकी सटी होंगी, पंजों के अंदर 6 इंच का फासला होगा। जब बेड़ियां सटी रहेंगी, पंजे मिला लेंगे तो उससे खड़े नहीं हो पाएंगे, सांस लेने में दिक्कत पड़ेगी, इसलिए पंजे में 6 इंच का फासला होना जरूरी है। अब बच्चों हाथ, सांस को भरो सीने में, हाँ हाथ को ऊपर ले जा, फिर पंजे पर धीरे 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 खड़े हो जाओ, धीरे धीरे। अब धीरे धीरे सांस को छोड़ो और हाथ को नीचे ले आओ। ये आसन जो है लंबाई का आपको छोटे छोटे बच्चों ने यहां दिखाया है और इससे इनका कद लंबा होगा और कद के लंबे के साथ साथ इनका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। और अगली बार फिर हम आपको
इसी जगह पर फिर आपको दिखाएंगे दूसरे व्यायाम।